हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं मिस्टर रैशनल यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन स्टोरी सुनाऊंगा जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छे मोरल देती है। तो हो सकता है आपने इनमें से कुछ स्टोरी सुनी हो। स्टोरी नंबर 1, द नाइबर्स लॉन्ड्री। ये स्टोरी प्रकाश अय्यर ने अपनी बुक द हैबिट ऑफ विनिंग में लिखी थी। इसे आप बाद में उनकी बुक खरीद कर पढ़ भी सकते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक यंग न्यूली मैरिड कपल नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। एक सुबह उस कपल के अपार्टमेंट की खिड़की के बाहर उनके पड़ोसियों ने कपड़े सूखने के लिए टांग दिए थे। जब उस लड़की ने खिड़की के बाहर देखा तो उसे उसके पड़ोसियों के कपड़े बाहर धूप में सूखते हुए दिखे। वो कपड़े बहुत ही गंदे और मैले लग रहे थे। उस लड़की ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारे पड़ोसियों को कपड़े धोना आता है, देखिए उनके कपड़े कितने गंदे हैं। उस औरत के हस्बैंड ने बिना ध्यान देते हुए कहा, शायद वो सस्ता डिटर्जेंट यूज करते होंगे। वो अभी भी न्यूज़पेपर में सर गड़ाए हुए थे। कुछ दिनों बाद ये घटना फिर हुई, गंदे कपड़े, औरत का चिल्लाना, पति का रैंडम कमेंट करना। लेकिन संडे की सुबह वो औरत सरप्राइज हो गई जब उसने ये देखा कि उसके पड़ोसियों के कपड़े चमकीले और साफ सुथरे दिख रहे हैं। उस औरत ने खुश होकर कहा, देखिए हमारे पड़ोसी को किसी ने कपड़े धोना सिखा दिया, आज उनके कपड़े कितने साफ और सुंदर दिख रहे हैं। उस औरत के हस्बैंड ने जरा सा मुस्कुराया और कहा, क्या तुम्हें पता है आज मैंने हमारे घर के सभी खिड़कियों के कांच साफ कर दिए हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम सब इस दुनिया को अपने ग्लासेस यानी अपने नजरिए से देखते हैं। कभी कभी जो सही होता है वो हमारे नजरिए से गलत लगता है, और कभी कभी जो गलत होता है हमारे नजरिए से सही लगता है। इन शॉर्ट, जो दिखता है हमको लगता है, और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है। लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो होता है। मतलब स्टोरी नंबर 2, फिशरमैन एंड द फोटोग्राफर। ये एक अमेजिंग स्टोरी है जिसे हेनरिच बॉल ने लिखा था, जिन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक संपन्न और इजी लिविंग फोटोग्राफर एक नदी के किनारे से पास हो रहा था। नदी के पास से गुजरते गुजरते उसे एक मछुआरा मिला जो झपकी लेते हुए दिखा। फोटोग्राफर ने उस मछुआरे को डांटा और कहा कि तुम मछली क्यों नहीं पकड़ते। मछुआरे ने कहा कि मैंने आज के लिए काफी मछली पकड़ ली है और अब मैं आराम कर रहा हूँ। तो फोटोग्राफर ने कहा, अगर भाग्य ने तुम्हारा साथ इतना दे दिया है तो आगे भी जरूर देगा, तुम और मेहनत क्यों नहीं करते। और अगर तुम और मेहनत करोगे तो तुम्हें और मछलियाँ मिलेंगी, और अगर तुम्हें और मछलियाँ मिलेंगी तो तुम एक नेट खरीद सकते हो। और फिर मछुआरे ने पूछा, और फिर तुम उस नेट से और ज्यादा मछलियाँ पकड़ना, और ज्यादा पैसे कमाना, फिर एक मोटर बोट खरीदना, फिर उस मोटर बोट से और ज्यादा मछलियाँ पकड़ना, और ज्यादा पैसे कमाना, और ज्यादा पैसे कमाने के बाद एक रेस्टोरेंट खरीदना। और फिर वो मछुआरा बोला। फोटोग्राफर ने जवाब दिया, फिर तुम आराम से समुद्र की लहरों को एंजॉय करना और आराम करना। लेकिन मैं तो ये पहले से ही कर रहा हूँ, मछुआरे ने जवाब दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें लाइफ में कभी भी थोड़ा और ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमारे पास जो है उसे ही इंजॉय करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें प्रगति नहीं करनी चाहिए। स्टोरी नंबर 3, ट्रस्ट। ये स्टोरी मैं एक बहुत ही बेहतरीन बुक 48 लॉज ऑफ पावर से लाया हूं। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक इंसान जंगल के रास्ते अपने घर को जा रहा था। रास्ते में उसे एक सांप दिखा जो उसकी तरफ आ रहा था। वो सांप को देख के घबरा गया, लेकिन सांप भी बहुत ही ज्यादा घबराया और डरा हुआ दिख रहा था। सांप ने इंसान से कहा, इंसान मेरे पीछे शिकारी पड़े हुए हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं और मेरी खाल निकालना चाहते हैं, क्या आप मेरी मदद करोगे। तो इंसान ने इस पर कहा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो सांप बोला, आप मुझे अपने पेट में छुपा लीजिए, और जब शिकारी चले जाएंगे तो आप मुझे बाहर बुला लेना, मैं बाहर आ जाऊंगा। इंसान ने उसकी मदद करने के लिए हाँ कह दिया और वैसा ही किया जैसा सांप ने कहा था। सांप इंसान के पेट के अंदर चला गया
जब शिकारी चले गए तो इंसान ने सांप को आवाज दी, लेकिन सांप मुकर गया। सांप ने बाहर आने से मना कर दिया। सांप ने कहा कि यहाँ अंदर गर्मी है और यहाँ कोई शिकारी भी नहीं है। जो तुम खाना खाओगे उस खाने पे मैं जिंदा रहूंगा और हमेशा यहीं रहूंगा। ये सुनकर इंसान का दिमाग चकरा गया। उसे अपनी बेवकूफी पर अफसोस होने लगा। उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि उसके अंदर एक जिंदा सांप है जो उसे कभी भी डस सकता है और कभी भी ढेर कर सकता है। वो गिरते पड़ते अपने घर की तरफ चलने लगा। उसे रास्ते में एक डव मिला। डव ने इंसान की ऐसी हालत देख के उससे पूछा कि माजरा क्या है। इंसान ने सारा वाकया उसे बताया। डव ने इंसान को एक उपाय बताया। उसने कहा कि इंसान को सिटअप्स करने चाहिए। इंसान ने सिटअप्स किए और सिटअप्स करने के बाद इंसान को उल्टी हुई, जिससे कि वह सांप बाहर आ गया। सांप जैसे ही बाहर आया वह बहुत ही फुर्ती से वहां से 9-11 हो गया। इंसान अभी भी परेशान था। उसे शक था कि सांप ने कहीं उसे डस तो नहीं लिया या फिर अपना जहर उसके पेट में ही तो नहीं छोड़ दिया। डव ने इसका भी उपाय बताया। डव ने कहा कि अगर तुम सफेद परिंदे को यानी सफेद पक्षी को खा लोगे तो तुम्हें जहर का असर नहीं होगा। इस पे इंसान ने डव को देखा और ज्यादा ध्यान से देखा। तुम भी तो एक सफेद पक्षी ही हो। उसने डव को पकड़ा और अपने घर ले गया और पकाकर खा गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे उस इंसान ने बेवकूफी की हद पार करके एक जानलेवा जीव को अपने पेट में रहने के लिए जगह दी, इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है। शायद उस इंसान से ज्यादा बेवकूफ वो डव था जिसने इंसान को सलाह दी कि वो एक सफेद पक्षी को खाए, जबकि वो खुद एक सफेद पक्षी है। हमें लोगों पर दया और भरोसा तो करना चाहिए, लेकिन बेवकूफी नहीं। स्टोरी नंबर 4, ये स्टोरी बहुत ही अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग है। एक इंसान था जो यूट्यूब सर्फ कर रहा था। उसने एक चैनल डिस्कवर किया जिस चैनल पर बहुत ही अच्छा कंटेंट था। उस इंसान ने उस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब करने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। और क्या आप जानते हैं वो चैनल कौन सा था? वो चैनल था मिस्टर रैशनल। वो इंसान आप भी बन सकते हैं। अगर आपको वो इंसान बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें बताएं कि हम अपने